मेरा विषय है भक्ति काल का एक संक्षिप्त परिचय, क्योंकि बीए प्रथम वर्ष का जो पाठ्यक्रम है उसमें अधिकांश जो पाठ्यक्रम है वो भक्ति काल से संबंधित है, इसलिए मैं ये विषय लिया यहाँ पर। भक्ति काल जिसका समय संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक का समय है, इससे पहले हम इसकी भूमिका में जाएंगे। इससे पूर्व आदिकाल था और आदिकाल में जो साहित्यिक धारा थी वो वीर गाथा परक थी। फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या कारण रहे होंगे कि आदिकाल में जहाँ भारतीय कवि और भारतीय साहित्यकार वीर गाथा परक रचनाओं को रच रहे थे, अचानक ही ये क्या परिस्थितियां आई होंगी कि ये भक्ति काल परक हो गया हमारा साहित्य। उसका कारण तत्कालीन समय की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां थी। अगर हम इस 14वीं से 17वीं शताब्दी का समय को देखेंगे तो भारत का जो पूर्णतः भारत वर्ष मुस्लिम शासकों के अधीन था, और मुस्लिम शासकों के अधीन होने के कारण जो कभी हमारे कभी किसी राजा के आश्रय में पलते थे, अब उन राजाओं का आश्रय लगभग समाप्त हो गया था और आम जनमानस इन शासकों के अत्याचार से परेशान था। इसलिए हमारे कुछ दूरदर्शी कवि ऐसे हुए जिन्होंने इस विकट समय में आम लोगों को भगवान से जोड़ने का प्रयास किया। अगर इस ये भक्तिकालीन जो विचारधारा अगर हम देखें तो इसका प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ था। दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन से प्रभावित होकर के रामानंद बल्वाचार्य इन लोगों ने हमारे उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया था। इन कवियों ने राजा श्रेय की चिंता से मुक्त होकर के ईश्वर के प्रति अपनी इच्छा और आस्था को व्यक्त करने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप जो भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ था, ये आंदोलन हिंदी साहित्य में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। आगे अगर हम अध्ययन की सुविधा से देखते हैं तो भक्ति काल में हमें दो प्रमुख धाराएं देखने को मिलती है। एक है निर्गुण भक्ति धारा, दूसरी है सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर के निराकार रूप को माना गया है। इन भक्त कवियों ने ब्रह्म को ही सर्वोपरि माना है और निर्गुण ब्रह्म में विश्वास करते थे। इस भक्ति धारा में भी हमें दो रूप देखने को मिलते हैं, ये ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री। ज्ञानाश्री जिसके प्रवर्तक संत कबीरदास जी हैं, इसको संत काव्य धारक के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश कवि इस भक्ति धारा में संत थे। ये सभी कवि उच्च कोटि के संत थे। इन निर्गुण भक्त कवियों ने भक्ति भावना के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान दिया। इन्होंने तत्कालीन समय में जो भाव आडंबर तीर्थ व्रत रोजा नमाज आदि का जो प्रचलन था उसका खंडन किया। ये कवि मूर्ति पूजा अवतारवाद के विरोधी थे। इन कवियों ने गुरु के महत्व को स्वीकार किया। कबीर का सचित दोहा, गुरु गोविंद दो खड़े काट के लागे लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई, ये जो पंक्तियां ये सिद्ध करती हैं कि इनका मानना था कि गुरु ही हमें भगवान तक मिला सकता है। और तत्कालीन समय में जो भी अराजकता जो अव्यवस्था थी इन सबका अगर कोई निराकरण कर सकता है तो वो स्वयं भगवान या परमेश्वर ही है। इन कवियों की और विशेषता भी थी कि तत्कालीन समाज में व्याप्त जातिगत धार्मिक भेदभाव का इन्होंने खुलकर विरोध किया। इनका मानना था कि जो हमने सामाजिक ढंग से जाति के आधार पर धर्म के आधार पर जो ऊंच नीच का भेदभाव हमने किया हुआ है ये निरर्थक है, क्योंकि भगवान के लिए केवल मनुष्य नहीं सारे प्राणी बराबर हैं। इसके प्रमुख प्रवर्तक अगर कबीरदास जी को हम देखेंगे तो इनको एक कवि होने के कारण इसीलिए समाज सुधारक भी माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी वाणी से तत्कालीन समाज में व्याप्त जो कुव्यवस्था थी उसको इन्होंने दूर करने का प्रयास किया। इन संत कवियों की इनका जो भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास था वो देखने वाले बनता है कि उन्होंने हिंदुओं की कमियों को हिंदुओं के सामने
और मुसलमानों की कमियों को मुसलमानों के सामने व्यक्त करने का प्रयास किया, जिसमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई। आज अगर हम देखते हैं कि आज हम जातिगत आधार पर या धार्मिक आधार पर हमारे भेदभाव काफी कम हो गए, तो मेरा मानना है कि उनका सर्वप्रथम श्रेय हमारे कबीर और उनके सहयोगी कवियों को ही जाता है। कबीरदास की अगर अन्य उनकी जो विशेषताएं देखें हमें, तो उन्होंने अपने जो उनके साथी सबर रमैनी, जो उनका चर्चित साहित्य है, हालांकि वो अनपढ़ थे, उनके जो शिष्य धर्मदास थे, उन्होंने उनकी वाणियों को कलमबद्ध किया है वहां पर। तो इनमें इन तीनों प्रकार की जो इनकी जो रचनाएं हैं, इन्होंने उच्च कोटि का साहित्य लिखा है। और सबसे बड़ी विशेषता इनकी ये है कि मुझे लगता है कि कक्षा के किसी भी, चाहे वो दूसरी तीसरी स्तर का बच्चा हो या अन्य स्तर का बच्चा हो, शोध छात्र हो, वो अभी निरंतर कबीर पर पढ़ रहे हैं, उस पर काम करते आए हैं वहां पर। इनके कविता में रहस्यवाद की झलक भी हमें देखने को मिलती है, हालांकि कहीं पर इनका रहस्यवाद साधनात्मक है। कबीर का मानना है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें काफी कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, इतने आसानी से भगवान हमें प्राप्त होने वाले नहीं है, इसलिए यहाँ पर इनकी साधना अवस्था वाला रहस्यवाद माना जाता है। रहस्यवाद वास्तव में क्या है कि इस परमात्मा को लेकर हमारी आत्मा है, इसी रहस्य को इन कवियों ने उद्घाटित किया है। और इस प्रकार से कहीं पर इनका भावनात्मक हो जाता है, जहां पर कबीर को लगता है कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है और भगवान उन्हें प्राप्त करने आ रहे हैं, तो वहां पर उनका भावनात्मक रहस्यवाद हमें देखने को मिलता है। कबीर और उनके साथी कवियों की अगर हम भाषा देखेंगे, तो ये इनको सद्दुकड़ी या पंचमेली खिचड़ी के नाम से इनकी भाषा को जाना जाता है। वास्तव में ये संत एक स्थान पर नहीं रहते थे, ये स्थान पर जाकर जीवन यापन करते थे। इस कारण से जिस स्थान पर रहते थे वही की भाषा को आत्मसात कर लेते थे, और इस कारण से इनकी भाषा में हमें ये पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा में देखने को मिलती है। कबीर के अतिरिक्त दारू दयाल, गुरु नानक, रैदास, सुंदरदास, मलुकदास इस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, जिन्होंने निर्गुण भक्ति धारा या संत काव्य धारा को एक प्रकार से यहाँ पर इस हिंदी कविता में स्थापित किया है। यहाँ पर भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत दूसरी जो विचार धारा है वो है प्रेमाश्रय शाखा। प्रेमाश्रय शाखा को सूफी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। इन कवियों की विशेषता ये कि अधिकांश मुस्लिम थे और इन्होंने अपने सूफी जो सिद्धांत था उन सूफी सिद्धांतों का प्रतिपादन अपनी कविताओं के द्वारा किया। लेकिन इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि इन्होंने हिंदू प्रेम कथाओं को लेकर के अपने सूफी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इन कवियों का मानना है कि निराकार ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए हमें प्रेम का आश्रय लेना चाहिए, और इन कवियों ने लौकिक प्रेम के अंतर्गत ही अलौकिक प्रेम की व्याख्या है, उस चीज को स्वीकार किया है। अगर इस भक्ति धारा के प्रवर्तक कवि मलिक मोहम्मद जायसी है, और जायसी का जो चर्चित ग्रंथ है पद्मावत, वो हमारे ऐतिहासिक चित्तौड़ के राजा रतन सेन और पद्मावती के प्रेम कथा पर आधारित है, जहां पर उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से आत्मा और परमात्मा को किस प्रकार से प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। वहां पर ज्ञान मार्गी कवि जहाँ आत्मा को स्त्री और परमात्मा को पुरुष मानते थे, वही प्रेमाश्रय कवि परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष मानते हैं वहां पर। इस प्रकार इनका मानना है कि पद्मावती परमात्मा का स्वरूप है और रतसेन आत्मा स्वरूप है, और इस प्रकार से वो आत्मा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए लालयत रहती है। और जिस प्रकार से रतनसेन को पद्मावती को प्राप्त करने के लिए अनेक संघर्ष बाधाओं का सामना करना पड़ा, उसी प्रकार इनका मानना है कि हमारी आत्मा जो परमात्मा से अलग हो गई है, इस आत्मा को भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बहुत संघर्ष और कष्टों का सामना करना पड़ता है। इन्होंने सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त होकर के, सौंदर्य वृत्ति से प्रेरित होकर के स्वतंत्र प्रेम का परिणय अपनी रचनाओं में किया। इन सूफी
कवियों ने प्रेम तत्व का निरूपण करते हुए मसनवी शैली को अपनाते हुए सूफी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। मसनवी शैली क्या है? वास्तव में ये सूफी काव्य धारा के अंदर जो काव्य लिखे गए या मसनवी शैली के अंदर जो काव्य लिखे जाते हैं, वहां पर काव्य की मूल कथा को लिखने से पहले उनके अपने पैगंबर महमूद का गुणगान होता है और जिस शासक के अधीन में वो जीवन यापन कर रहे होते हैं उसका गुणगान होता है। इसी प्रकार से मलिन मोहम्मद जायसी ने भी शेरशाह सूरी का गुणगान किया है वहां अपने इस पद्मावत समय में। वहां पर प्रेम नगरी कवियों ने भी गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। अगर पद्मावत का हम उदाहरण लें तो हीरामन तो यहाँ पर गुरु का प्रतीक या वो कार्य करता है जो कि राजा रतन सेन के सामने ब्रह्म स्वरूप पद्मावती का सौंदर्य का वर्णन करता है और उस एक प्रकार से वो उसको मार्ग दिखाता है कि ब्रह्म या भगवान का। वहां पर इन्होंने ईश्वर और जीव के संबंध में प्रेम का होना सर्वोपरि बताया। इन कवियों का मानना था कि अगर वास्तव में हमारी जो आत्मा अगर परमात्मा से अलग हो गई कुछ समय के लिए, अगर इस आत्मा को उस परमात्मा को प्राप्त करना है तो प्रेम के द्वारा ही हो सकता है। इनकी भाषा अवधि है। मलिक मोहम्मद जायसी इस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, ये पहले भी बताया जा चुका है। इसके अलावा कुतुबुन मंजन मुल्ला दाऊद दामोदर शेख नबी इस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इस प्रकार से निगुण भक्तिधारा की अगर हम दोनों शाखाओं को देखेंगे तो उनमें जो समानताएं हैं कि दोनों भक्तिधारा का एकमात्र उद्देश्य उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को प्राप्त करना है जो कि संसार में के कण कण में व्याप्त है। अंतर यही है कि जहां संत काव्य धारा के कवि उस ब्रह्म को प्राप्त करने का माध्यम ज्ञान मानते हैं, उनका मानना है कि जब जीव या मनुष्य को जब ज्ञान पहले ज्ञान की प्राप्ति होगी उसके बाद उस परमात्मा की प्राप्ति होगी। वही प्रेम मार्ग की काव्य धारा का मानना है कि प्रेम के मार्ग के द्वारा हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। दोनों भटारों ने गुरु के महत्व को स्वीकार किया है। उनका मानना है कि अगर हमें उस ईश्वर तक पहुंचना है तो गुरु माध्यम बनेगा जो हम उस भगवान के बारे में बताएगा। अगर गुरु किसी व्यक्ति को विशेष को जीव को गुरु नहीं मिलता है तो उनका मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति असंभव है या कठिन है उसके लिए वहां पर। इसके साथ ही जहां अगर प्रेम मार्ग की काव्य धारा में हमारे लौकिक हमारे ऐतिहासिक कथाओं को लिया, वहीं हमारे निर्गुण काव्य धारा वो ठोस ज्ञान पर आधारित है। उनकी जो शाखाएं हैं जो भी उनके शब्द हैं वहां पर वो हमारे सामने भाषा के दृष्टि से भी जहाँ निर्गुण भक्ति धारा में पंचमेल खिचड़ी है वहीं ये प्रेम मार्ग कवि अधिकांश कवि ये इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं जबकि निर्गुण भक्ति धारा के कवि वो स्वतंत्र रूप से अपनी बातों को बोलते थे, आम लोगों के बीच में बैठते थे और वहीं पर अपने अपने जो भी ब्रह्म की प्राप्ति के द्वारा जो भी इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो आम लोगों को बांटते थे। वही हमारे प्रेम मार्ग कवियों ने इन्होंने पद्मावत या अन्य कवियों ने अलग अलग ग्रंथ लिखे हैं वहां पर चर्चित ग्रंथ हुए इस भक्ति धारा के। अगर तो दूसरा महत्वपूर्ण विषय आता है सगुण भक्ति धारा। इसी समय में हमारे ईश्वर को प्राप्त करने के जो साधन थे जहां एक और तो कुछ कवि या कुछ लोग या कुछ विचारधारा वाले ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मान रहे थे, वह हमारे कुछ विचारधारा सगुण साकार रूप को मान रहे थे। इन लोगों का मानना था ईश्वर का साकार रूप है और उसकी कृपा जब हमारे ऊपर होगी तभी जाकर के हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। वहां पर सगुण भक्ति धारा के विकास में भागवत और वाल्मीकि रामायण का विशेष योगदान है। हमारे जो भागवत है श्री कृष्ण की कथा पर आधारित है, वाल्मीकि रामायण भगवान राम पर आधारित है। वहां पर सगुण भक्ति में ईश्वर के साकार रूप का गुणगान किया गया। आगे चलकर हम हिंदी भक्ति साहित्य में भी सगुण भक्ति धारा के दो रूप देखने को हमें मिलते हैं। उसमें एक राम भक्ति धारा है, दूसरा कृष्ण भक्ति धारा है। राम भक्ति धारा के प्रवर्तक लोक नायक गोस्वामी तुलसीदास जी है। उन्होंने भगवान श्री राम के
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का गुणगान अपनी कविता के द्वारा हमारे सामने किया है। और आज भी आज हमारा जो हिंदू समाज है अपना आराध्य श्री राम को मानता है, और उनकी जो चर्चित ग्रंथ है रामचरितमानस आज भी प्रत्येक हिंदू समाज के लिए पूजनीय है या गीता के समकक्ष उसे माना जाता है। तुलसी के कविता के बारे में अगर देखा जाए या उनके स्वयं के जीवन के बारे में देखा जाए, तुलसी का जीवन विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन हुआ। जैसे ऐसे जनश्रुति है कि जन्म होते ही उन्हें घर से अलग छोड़ दिया गया था, फिर एक भीख मांगने जैसे बच्चे के समान उन्होंने अपना जीवन यापन किया। किसी प्रकार से नरहरि दास के संपर्क में आते हैं वो, नरहरि दास तुलसीदास जिनका नाम ही नहीं पड़ा था, राम बोला नाम था उनका, उस बच्चे के वाणी से प्रभावित होते हैं, तुलसी राम बोला गा गा करके अपना उदय पुटी करते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं। तो नरहरि दास उनको अपने साथ काशी ले जाते हैं, कहते हैं वहां पर उनके विधिवत उनका अध्ययन होता है, उपनयन संस्कार किया जाता है, उसके बाद अध्ययन करते हैं और भारतीय इतिहास का भारतीय पुराणों का गहन अध्ययन करते हैं, कुशाग्र बुद्धि कहते हैं वहां पर। इस प्रकार से ये बनारस में चर्चित राम कथावाचक हो जाते हैं। राम कथा बनारस या काशी तत्कालीन काशी शैव भगवान शिव की नगरी माना जाता है। जब वहां पर ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई एक शैव भक्त या क्या कहते हैं विष्णु भक्त हमारे शिव नगरी में भगवान राम की कथा का प्रचार प्रसार कर रहा है, तो कहते हैं इन लोगों ने भी परेशान किया, लेकिन इन्होंने वो स्थान स्थान पर भगवान राम ने इनकी सहायता भी की ऐसा माना जाता है वहां पर। इसी प्रकार से इनका एक अतुलनीय सुंदरी रत्नावली इनका विवाह होता है। जब रत्नावली से विवाह होता है तो कहते हैं कि उसके प्रेम में एक प्रकार अंधे से हो जाते हैं और किसी भी हर समय उसको अपने साथ रखते हैं। किसी एक बार अचानक ही किसी कहते हैं कि बिना बताए रत्नावली अपने मायके आ जाते हैं। तुलसीदास को जब ज्ञान होता है ये भी उसके पीछे पीछे इसके मायके जाते हैं। जब ये मायके जाते हैं तो वहां पर रत्नावली को बहुत उसको उनको बुरा लगता है समाज प्रथा के हिसाब से। इस प्रकार से इन पर वो आरोप पड़ता है, ये कहते हैं कि अगर इतना प्रेम तुम्हारा भगवान राम में होता तो कितना अच्छा होता। तो कहते हैं उसी दिन से इनको ये बात लग जाती है और ये अपना पूरा जीवन राम को समर्पित कर देते हैं। उसके बाद इनको इनकी चर्चित रचना रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली आदि चर्चित रचनाएं इनके आई है वहां पर। रामचरितमानस जहां हमारा आराध्य ग्रंथ है, अगर कविता की दृष्टि से भी उसको देखते हैं तो हिंदी साहित्य का अनमोल ग्रंथ है। अगर उसमें काव्य शास्त्र के ढंग से भी देखें हम अधिकांश छंदों का मुख्य छंद उसमें दोहा चौपाई है, हमारे विभिन्न रसों का वहां पर वर्णन मिलता है, विभिन्न अलंकारों का वहां पर वर्णन मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो रामचरितमानस की है वो इस प्रकार है कि तत्कालीन समय में जो आम लोगों के बीच जो भेदभाव छुआछूत ये कई समस्याएं थी, तुलसीदास ने बड़े चतुराई से अपनी कथा के द्वारा इनको हल करने का प्रयास किया था। उदाहरण के लिए अहिल्या उद्धार की कथा आती है, तो हमारे हिंदू समाज में जैसे उस कथा से हम मानते हैं कि जब अहिल्या इंद्र के द्वारा छली गई तो गौतम ऋषि ने उसका परित्याग कर दिया था, उसके बाद भगवान राम उसको स्थापित करते हैं, तो अगर वो शिला बन गई थी। वास्तव में मेरा मानना है कि हमारे हिंदू समाज में अगर किसी स्त्री के साथ इस प्रकार का दुराचार हो जाता है तो समाज उसे शिला बना देता है, उसे संबंध विच्छेद कर देता है। राम धर्म के नायक हैं, ये एक ऐसी स्त्री जिसको समाज से बहिष्कार किया गया है, अलग किया गया है, उसको उसका स्थान दिला रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण कदम था जिसका कि परिणाम आज हमें देखने को मिल रहा है, इसके दूरगामी परिणाम अभी भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर हम पूरी रामचरित मानस को देखेंगे, आदर्श राजा कैसे हो राम का उदाहरण हमें मिलता है, आदर्श भाई भरत और लक्ष्मण का उदाहरण हमें देखने को मिलता है, आदर्श सेवक
हनुमान जी का उदाहरण देखने को मिलता है, आगस्त पत्नी कैसे हो सीता जी का उदाहरण देखने को मिलता है, सबसे बड़ी तुलसी के समय में जहां सिंहासन के लिए मारकाट मची हुई थी, भाई भाई को मारने का प्रयास करता था, या बेटा बाप को, या बेटा बाप को सिंहासन की प्राप्ति के लिए मार्ग के बाधक जो भी हो उनको कोई कोई नहीं छोड़ता था। वहीं पर अगर हम इस कथा में देखेंगे कि अयोध्या के जो सिंहासन है राम उसे भरत के लिए छोड़ देता है, और भरत भी राम की अनुपस्थिति में केवल यह बोलकर कि मैं इस सिंहासन की देखभाल करने वाला हूँ उसमें विराजमान नहीं होते हैं। तो ये बहुत बड़ा संदेश हमारे जनमानस के लिए था, विश्व के लिए था वहां पर, कि इस प्रकार इतनी बड़ी बातें जो वहां पर की गई थी इस प्रकार से इसमें रामचरितमानस में। और सबसे बड़ी अगर विशेषता देखेंगे हम आज जिस प्रकार से भगवान राम ने मनुष्य के अतिरिक्त ऋषि बानरों का सहयोग करके सहयोग लिया, उनके साथ जीवन यापन किया, वो ये संदेश देता है कि आज भी कि आज हमारे लिए मनुष्य के साथ और पशु पक्षी पेड़ पौधे कितने आवश्यक हैं। ये जो सृष्टि की रचना हुई है, ये ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना हुई है, इसमें जितने भी जीव प्राणी हैं सबकी आवश्यकता है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये भी बहुत बड़ा संदेश हमारे सामने है। आज चाहे सारे विश्व उन जीवों की संरक्षण की बात करता हो, पेड़ पौधों की संरक्षण की बात करता हो, लेकिन हमारे साहित्य में ये चीजें पहले ही आ गई थी। वहीं पर भिलनी का झूठे बेर खाना, केवड़ को गले लगाना, ये तत्कालीन समाज में जो व्याप्त जो छुआछूत थी उसके लिए संदेश देता है कि किस प्रकार से भगवान राम जो कि अब स्वयं ईश्वर के प्रतीक हैं, सूर्यवंशी है, अयोध्या के राजा हैं, और इस प्रकार से जो तत्काल निम्न जाति के इन लोगों को गले लगा रहे हैं, इनके साथ जीवन यापन कर रहे हैं वहां पर। इस प्रकार रामचरितमानस बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हो जाता है इस राम भक्ति धारा में। तुलसी की दूसरी विशेषता अगर इसके अलावा थी तो उन्होंने एक समन्वयवादी दृष्टिकोण था उनका, जहां उन्होंने छंदों में, रसों में, अलंकारों में समन्वय देखने को मिलेगा, वही उनका भाषा में भी समन्वय देखने को मिलता है। अगर हम देखेंगे तो उनका तत्कालीन समय में जो हमारी प्रमुख दो भाषाएं थी अवधी और ब्रज, दोनों में उन्होंने लेखनी चलाई। इसके साथ साथ अगर हम तुलसी का अध्ययन करते हैं तो हम ये देखते हैं उन्होंने तत्कालीन समय में जो दो मत थे शैव और वैष्णव, तो शैव और वैष्णव दोनों मत उनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। अगर रामचरितमानस का उदाहरण लें तो भगवान राम के गुणगान से पहले उन्होंने भगवान शिव की आराधना कर रखी है, और पूरे राम कथा में ये बात सामने आती है कि भगवान और शिव करने वाला आराध्य है, और जो हम आम जनमानस एक दूसरे को बड़ा छोटा मानते हैं इस चीज का उन्होंने निराकरण किया है। इस प्रकार से धार्मिक भाव से भी उनका समन्वय है, जातिगत भाव से भी, अभी इसके कई उदाहरण में दे चुका हूं, इसमें भी उनका समन्वय है। रामचरितमानस में तुलसी के अतिरिक्त जो अन्य कवियों का ज्यादा चर्चित नाम नहीं आता, लेकिन अग्रदास, हृदय राम, नरहरि दास, लाल दास, कपूर चंद, इस शाखा के प्रसिद्ध कवि हैं। तुलसी राम काव्य धारा के बाद जो दूसरी भक्ति धारा आती है वो है कृष्ण भक्ति धारा, और कृष्ण भक्ति धारा से तो माना हिंदी कविता का उद्धार ही हो गया एक प्रकार से। अगर हम पूरी हिंदी कविता के इस मध्य काल को देखेंगे, इस भक्ति काल को देखेंगे, तो अधिकांश कवि कृष्ण की भक्ति आराधना करने वाले हैं। उसका कारण यह था कि इन लोगों को श्री राम का जो लोकनायक पुरुषोत्तम रूप है उससे अधिक इनका श्री कृष्ण का लीलाधारी रूप दिखाया। इसी कारण यहां पर इन्होंने श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का, राधा कृष्ण की लीलाओं का इन कवियों ने वर्णन किया है। सूरदास इसके प्रतिनिधि कवि हैं। अगर कृष्ण काव्य धारा में हम सूरदास का उदाहरण लेते हैं तो सूरदास द्वारा रचित सूर सागर कृष्ण काव्य धारा का प्रतिनिधि कवि है, और आज भी माना जाता है कि कृष्ण काव्य धारा में इसकी
इसकी तुलना किसी ग्रंथ से नहीं कर सकते हम। सूरदास जन्मांत थे, जन्मांत होने के बाद भी कृष्ण के बाल लीलाओं का जितनी बारीकी से सूरदास ने अध्ययन किया है, बड़ा आश्चर्य होता है कि जन्म से अंधे व्यक्ति ने इतनी छोटी चीज वस्तुओं का वर्णन किया है। हालांकि बीच में सूर के जन्मांत पर भी विवाद था, कुछ लोग मानते नहीं थे, हालांकि आज सभी लोगों का मानना है कि सूरदास जन्मांत थे, और निश्चित रूप से वो अगर उनको ऐसी शक्ति प्राप्त हुई तो भगवान के प्रति एक निष्ठ भाव था। सूर सागर में या सूरदास की रचना में हम देखते हैं तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को जो वर्णन मिलता है वात्सल्य का श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का जितना सुंदर वर्णन सूरदास ने किया है, उसके परिणाम स्वरूप हमारे जो एक दसवें रस की भी हिंदी में स्थापना की गई वात्सल्य रस के रूप में, निश्चित रूप से सूरदास या उनके समकालीन जो भी कवि थे जिन्होंने एक बच्चे के लीलाओं में जो अद्भुत प्रेम का जो अनुमान किया, जो कल्पना की या जो वर्णन किया, उसके परिणाम स्वरूप इस रस का हमें जिक्र मिलता है हमें। इसके बाद सूरदास के अगर हम एक भ्रमर गीत प्रसंग, इनका चर्चित प्रसंग है, भ्रमर गीत में वास्तव में क्या है कि गोपिकाओं और श्री कृष्ण के जो प्रेम है उस प्रेम के विरह को, दुख को यहाँ पर बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया गया है। कहते हैं कि जब राज कार्य के सिलसिले में श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले गए तो अपने बचपन के संगी साथियों जो गोपिकाएं थी उन गोपिकाओं से उनका फिर शायद मिलना जुलना नाम मात्र को गया, कभी मिले भी नहीं शायद, वैसे हमारे उदाहरण भी आते हैं वहां पर। उसके बाद कृष्ण का एक मित्र उद्धव होता है, उद्धव निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानने वाला होता है, और कृष्ण जब मथुरा में बार बार ब्रज के लोगों का, वहां की यहां तक कि पशु पक्षियों का भी वर्णन करते हैं तो उद्धव उन्हें निर्गुण निराकार की बातें बताने लग जाते हैं। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण एक कुटनीति चलते हैं एक प्रकार से, वो स्वयं उद्धव को अपने संदेश के रूप में ब्रज भेजते हैं, गोपिकाओं के पास भेजते हैं, केवल उनका जो निर्गुण निराकार का जो मान मर्दन था, जो अहंकार था, उसको समाप्त करने के लिए। एक प्रकार से निर्गुण जो भ्रमर गीत है, इस भ्रमर गीत में तत्कालीन समय में जो भक्ति धाराएं चल रही थी निर्गुण और सगुण, तो निर्गुण भ्रम के द्वारा निर्गुण भ्रम का खंडन किया गया है। तो जब उद्धव ब्रज जाते हैं तो गोपिकाओं की वाद चातुरता से निरुत्तर हो जाते हैं, हर समय गोपिका निरुत्तर कर देती है, तो अंत में कहते हैं कि उद्धव भी निर्गुण भ्रम को छोड़ करके सगुण भ्रम को उन्होंने अपना लिया वहां पर। इसलिए भ्रमर गीत जो प्रसंग चला ये इतना चर्चित रहा कृष्ण काव्य धारा में कि वो सूरदास ने ही नहीं, आगे नंददास या अन्य कवियों ने भी इस प्रसंग को लेकर के कविताएं लिखी। यहाँ पर कि हम आधुनिक काल के जगन्नाथ दास रत्नाकर को उदाहरण लें, उन्होंने भी उद्धव सतर्क करके जो रचना लिखी वो भी इसी प्रसंग में थी वहां पर, कि गोपिकाओं का और उद्धव का संवाद कराया गया वहां पर। इस प्रकार से ये प्रेम, ये श्रृंगार रस के संयोग और वियोग, कम से कम वियोग पक्ष का बड़ा अच्छा उदाहरण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इस भ्रमर गीत में। सूरदास के अतिरिक्त नंददास, रसकान, मीराबाई, नौतम दास आदि इस सागर के प्रतिनिधि कवि हैं। इस प्रकार सगुण भक्तिधारा के अगर दोनों भक्तिधाराओं का हम तुलना करते हैं तो दोनों का ही उद्देश्य एक ही था, विष्णु के राम और कृष्ण रूप का गुणगान करना। जैसे मैंने पहले ही बताया कि तत्कालीन समय में आम जनता जो कि विदेशी शासकों के अधीन हो गई थी, एक भय का वातावरण था, उस भय के वातावरण को दूर करने के लिए उन्होंने इन लोगों के सामने राम और कृष्ण की कथाओं का उदाहरण दिया,
उनका गुणगान करने का जिक्र किया, और उनको जो लोग एक प्रकार से अपना जीवन निरर्थक मानते थे उन्हें विश्वास दिलाया कि जब जब विपरीत परिस्थितियां आती है भगवान जन्म लेकर के तुम्हारी सहायता करेंगे। इस प्रकार से सामाजिक ढंग से बहुत बड़ा कार्य इन भक्तिधारा में हुआ। अगर सगुण भक्तिधारा की और निर्गुण भक्तिधारा से हम तुलना करते हैं तो निर्गुण भक्तिधारा की जो कविताएं थी उसके अपेक्षा सगुण भक्ति धारा की जो अटर कविताएं थी उन्होंने आम जनता के मन में ज्यादा विश्वास और रुचि जताया। क्योंकि निर्गुण भक्तिधारा में अगर हम कबीर का उदाहरण लेंगे तो उनका स्वयं कहना है कि निर्गुण भक्ति कठिन है, कठोर जप तप या उसके बाद ये भक्ति प्राप्त होती है। वही सगुण भक्तिधारा के कवि हमारे केवल एक भगवान राम और एक कृष्ण की मूर्ति उन्होंने हमारे सामने देख करके इस भक्ति को बहुत आसान कर दिया। अगर पूरे भक्ति काल पर दृष्टि डाल रहे तो उसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उसका स्वर्ण युग कहने का उद्देश्य यही है कि साहित्य का जो प्रमुख उद्देश्य होता है लोक मंगल की साधना। अगर हम भक्ति काल के किसी भी शाखा किसी भी रचना का हम जिक्र करते हैं, किसी भी कवि का हम जिक्र करते हैं तो हम ये पाते हैं इनका प्रमुख उद्देश्य लोक मंगल की साधना है। उन्होंने किसी आश्रय या किसी राजा के प्रसन्नता के लिए या किसी धन प्राप्त के उद्देश्य से कोई कविता नहीं लिखी। उदाहरण में आता है एक बार बादशाह अकबर जो कि अपने दरबार में कवियों के सम्मान देते थे, सूरदास की कविताओं से प्रभावित होकर के उनके नाम से प्रभावित होकर के वो सूरदास को आमंत्रित करते हैं, अपने राज दरबार में आमंत्रित करते हैं। लेकिन सूरदास उन्हें दो टूक शब्दों में कह देते हैं कि मेरा तुम्हारा न तुम मेरे कुछ काम आ सकते हो, मैं अंधा हूँ, न तुम मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकता हूँ, और मैं एक साधु संन्यास हूँ, मुझे न धन की न किसी चीज की आचरण न तुम मेरे कुछ काम आ सकते हैं। ये बहुत बड़ा महान उद्देश्य था, इसी कारण भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। आज भी अगर हम हिंदी साहित्य में तुलना करते हैं तो इतना कोटि का साहित्य हमें देखने को नहीं मिलता है। शास्त्रीय ढंग से भी देखते हैं हम अगर तो शायद जितनी श्रेष्ठ रचनाओं का पढ़न इस काल में हुआ आगे ये रचनाएं हमें देखने को नहीं मिलती है। काव्य शास्त्र के ढंग से चाहे वो रसों का छंदों का स्वाभाविक हालांकि उन्होंने रीतिकाल के समान अति नहीं की किसी चीज के लिए, जहां पर जिस चीज की आवश्यकता थी, जहां पर जिस रस की आवश्यकता थी, जहां पर जिस छंद की आवश्यकता थी, जहां पर जिस अलंकार की आवश्यकता थी, वो सब हमें इस भक्तिकालीन साहित्य में मिलता है। इस प्रकार से भक्तिकाल का जो साहित्य है ये हमारे जो चार खंडों में हमने इसको हम पढ़ते हैं, इसके लिए अपनी महत्वपूर्ण विशेषता लेकर के अपनी महत्वपूर्ण अमिट छाप छोड़ करके हिंदी साहित्य में स्थान बनाता है। और जहां तक हमारा इस बीए प्रथम वर्ष का पाठ्यक्रम की बात आती है, हमारे ये सूरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, तुलसीदास ये इस पाठ्यक्रम के प्रथम प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण अंग है, और प्रत्येक विद्यार्थी को इन कुछ संकलित इनके जो भी पाठ्यक्रम उनके साथ साथ इन कवियों के बारे में, इनके भक्ति धारा के बारे में गहन अध्ययन करना पड़ता है।